रेल्वे स्थानकावर सुरक्षेसाठी ॲपच्या निर्मितीबरोबरच महिला आरपीएफची नियुक्ती करण्यात आल्याचं विभागीय सुरक्षा आयुक्त जयण्णा कृपाकर यांनी सांगितलं. सोलापूर रेल्वे स्थानकावर अलीकडच्या काळात महिला चोरांचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येतं. दागिने पर्स चोरीच्या घटना समोर येत आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विभागीय व्यवस्थापक हितेंद्र मल्होत्रा आणि विभागीय सुरक्षा आयुक्त जयण्णा कृपाकर यांनी महिला आरपीएफची मागणी केली होती. त्यानुसार 5 महिला आरपीएफ रेल्वे स्थानकावर नियुक्त करण्यात आल्यात. शिवाय 10 कमांडो हे सोलापूर स्थानकावर दाखल झालेत. यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेत चांगलीच वाढ झाल्याचं विभागीय सुरक्षा आयुक्त जयण्णा कृपाकर यांनी सांगितलं. ये लगा बुलाया है हेडक्वार्टर से बुला के कि ट्रेन एस्कॉर्टिंग को बढ़ाने के लिए, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट मेजर है वुमेन और वुमेन सिक्योरिटी, खासकर वुमेन सिक्योरिटी के लिए हम ये किया है. हम ये कोशिश करते हैं कि लेडी कॉन्स्टेबल्स या लेडी स्टाफ हमारा जो अभी नया आया है यूनिट, उनको भी एस्कॉर्टिंग में लगाने के लिए, सो दैट इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू नो वी आर गोइंग टू हैव जीरो टॉलरेंस ऑन एनी इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. तो ये सभी ये है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रीफ यू ऑल ये हमारा मेजर्स जो ये किया है. दरम्यान सुरक्षेसह माहितीकरता सुरक्षा ॲपचं लॉन्चिंग करण्यात आलं आहे. चेन स्नॅचिंग, चोरी, दरोडे याबाबत त्वरित मदत या सुरक्षा ॲपच्या माध्यमातून मिळणार आहे अशी माहितीही जयण्णा कृपाकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ये हमारा रेल सुरक्षा ॲप है. ये पायलट बेसिस में थ्रिस के द्वारा ये किया गया है. तो ये भी ये पुणे डिविजन से ही, पुणे डिविजन ने पायलट बेसिस में किया है और रेलवे बोर्ड ने ऑल ओवर इंडिया के 5 इम्पोर्टेंट डिविजन्स या सेंटर्स में इन लोगों को एक नोडल सेंटर बनाया. पुणे, जयपुर, दिल्ली, शायद कोलकाता और भोपाल है. तो ये अभी ओपन है, पब्लिक के लिए सभी ओपन है. आपको, आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें कई सारे आपके डिटेल्स फीड हो सकते हैं, आपके एड्रेस, आपके, ये काफ़ी सिक्योर सॉफ्टवेयर है. क्रिस ने इसको डेवलप किया है. इसमें से सिर्फ सुरक्षा हिसाब से नहीं है, बट जनरल इन्फॉर्मेशन की ट्रेन कब आ रही है, ट्रेन क्या है, और इसमें खासकर जो ऐप में जो हमारा रेल मित्रा जो आरपीएफ को सुरक्षा हित में जो स्टेशनों पे हमने हमारा इन्फॉर्मेंट्स है या फिर हमारा जो सुरक्षा के मित्र है जो हमको असिस्ट कर सके कि जहाँ पे आरपीएफ प्रेजेंस नहीं होता वहाँ पे हमने रेल मित्रा को भी लगा के हैं, तो उनका भी इनमें काफ़ी ज़्यादा डेटाबेस यहाँ पर है. पर इनमें खास एक ही पैनिक बटन, पैनिक ऑप्शन है. जब आप फीड करेंगे आपका नेम, डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, मेरा रिलेटिव का नाम वगैरह, जब आप समझ लें कि ट्रेन में आपके ऊपर, मतलब महिला के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि छेड़छाड़ हो गया या फिर बदतमीजी कर रही है या फिर ये, तो तुरंत आप उसको पैनिक बटन दबा सकते हैं. तो उसका जो मैसेज है सीधा हमारे कंट्रोल रूम में आएगा और एक डिस्ट्रेस मैसेज या डिस्ट्रेस कॉल या उसको बोलते हैं अपने जो रिलेटिव नंबर फीड किए हैं उसको डायरेक्टली ये हो जाएगा. इनकेस आपका नंबर कट गया, फ़ोन कट गया, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपके क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, आपको क्लोज रिलेटिव भी हमारे कॉन्टैक्ट में रहेंगे और आरपीएफ कंट्रोल का भी वो ये आएगा. इस सुरक्षा ऐपच्या संदर्भात प्रवाशांना तसंच नागरिकांना यावेळी सविस्तर माहिती रेल्वे सुरक्षा दलाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी दिली. इकडे महिला आरपीएफ सोमवारपासून सेवेत रुजू झाल्या. रेल्वे स्थानकावरील घडामोडींकडे त्यांची करडी नजर आता राहील. सुरक्षा ऍपसह महिला आरपीएफ कमांडो तैनात झाल्यानं महिला प्रवाशी वर्गास मोठा दिलासा मिळालाय. शिवाय सुरक्षा व्यवस्थेतही वाढ झाल्यानं चोऱ्यांच्या प्रकाराला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.